गाइस, हमारे जो पंखे थे ना वो सारे के सारे फ्लोर के भैया ने सारे पंखे उतार दिए हैं। और फिर मम्मी ने ना वो सारे पंखों पे धूल मिट्टी लगी हुई, तो वो सारे धो के यहाँ पे ना इतना। गुड मॉर्निंग माय क्यूटीज, होप आप सभी सही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल गाइस। बिल्कुल ना मुँह से मेरा सूजा सूजा लग रहा है और नींद भी पूरी नहीं हुई है, आँखें भी एकदम भारी भारी हो रही हैं। क्योंकि 2 बजे तो मैं रात को सोई थी ना मम्मी, 2 बजे मैं रात को सोई थी अपना ऑफिस का पूरा काम करके, और जो हमारी लेबर थी वो बस आ गई है। वेट गाइस, मैं गेट खुलाऊँ। सो गाइस, हमारे जो लेबर है वो आ चुकी है, और आज जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि आज बहुत तेज़ हमारे यहाँ बारिश हुई है और बहुत एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम से एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, फिर मज़ा आ गया। मुझे पता नहीं क्या बात कर रही है, सुन लेते हैं क्या कह रही है। गाइस, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करना है, तो उसके लिए भैया यहाँ पे कर रहे हैं। सारे काम पे लग चुके हैं। अब जो लेबर वो पीवीसी वाली लेबर है वो अपना जो चैनल्स है वो कटिंग कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं मतलब कि छतों पे। और जो वायरिंग वाले भैया हैं वो भी आ गए, क्योंकि जो पीवीसी वाले भैया थे वो कल से ना मतलब उन्होंने दो, एक तो जो हमारे ड्राइंग रूम है वो और जो आगे लगे हैं वो, उसका जो एक स्ट्रक्चर है ना फैमिली का वो बना दिया है। तो अब वो वायरिंग कर रहे हैं आगे वाले कमरे में, एंड ये हमारी माता जी हैं, ये चाय चढ़ा रही हैं। चाय बना रहे हो मैं बन के चाय, बारिश आ रही है बहुत तगड़ी वाली। आप भी चलो भाई, सभी और सामान आया है, वो कम पड़ गया था क्यों अभी। ये जो पंखा था ना मम्मी वो अड़ रहा था, तो अभी दोबारा वहाँ पे लेंटर तुड़वा कर वहाँ पे करवाया ये। एंड गाइस, ये हमारा मेरा खुद का रूम है, जो कि यहाँ का ऐसे चैनल लग चुका है। आपको अच्छे से दिखा क्या ऐसे दिख रहा है ना अच्छे से। सो ये चैनल लग चुके हैं। पॉपकॉर्न के साथ रख दे वहाँ पे। मेरी मम्मी जो है गाइस वहाँ पे बैठी है, और मम्मी कह रही है ये हालत होती है जब घर पे मिस्त्री वगैरह जब सारे काम करते हैं, है मम्मी, मतलब कि कोई होश गाइस। सुबह से ना बस इधर उधर उधर इधर, कभी कोई सामान आ रहा है, कभी विशु को भेज रही हूँ जैसे छोटे छोटे सामान लाने के लिए, बस ऐसे ही बैठे। क्या कह रहे हो? मेरी मम्मी कह रही है कि बिल्कुल मैं एप्पल सा बनकर बैठी हूँ, तो मैं लाल लाल हो रखी है ना। बट फाइनली जो पूरा घर का जो चैनल लगना था सारे रूम्स का हॉल्स का, ये चैनल है मम्मी, वो पैनल अभी आ रहे हैं। वह मैं वही बता रही थी कि जो चैनल है गाइस वो पूरे लग चुके हैं। पता नहीं था चैनल क्या होता है, जो दिन का काम है। गाइस
जब जो इंसान काम करता है ना उसको ही पता चलता है कि किसे क्या कहते हैं। पहले ना जब हमारा बिल्डिंग वर्क था तब जो हमारे मिस्त्री थे वो कहते चैनल लाना है। मैंने कहा चैनल क्या होता है ये मैं चैनल तो टीवी में आ देती हूँ ना चैनल। बट गाइज अब जब हम काम जो करते हैं फिर तब पता चलता है कि जिस चीज़ को वैसे कहते हैं और उस चीज़ को वैसे कहते हैं। हाँ गाइज महसूस नहीं हो रही है गाइज जो हमारे पंखे ना पूरे घर के पंखे वो उतर चुके हैं लेकिन बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है पंखा ऑन करने की क्योंकि मौसम इतना हो रहा है कि इतना ठंडा है कि रजाई लेकर मैं बैठ जाऊँ क्योंकि मुझे ठंड भी ज़्यादा लगती है तो पंखे की मुझे ज़रूरत भी नहीं है और ये एक दो दिन है ये निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा कि भाई बिना पंखे के। हाँ वैसे एसी है अपने पास किचन रूम में अगर गर्मी लगी तो एसी चला लेंगे। ये हमारी मम्मी जी झूले में झूले रही हैं। गाइस अब फाइनली हमारे जो पैनल्स हैं वो आ रहे हैं। ये पैनल्स हमारे ये जो आगे वाला रूम है ना इसमें लगेंगे। गाइस इसका ना पहले जो ये पंखा है ये इसका यहाँ पे था लेकिन अब हमें वहाँ पे कराना पड़ा है क्योंकि कमरे के अंदर ना पहले इस ये था सेंटर बट हमने जब ये अलमारियाँ यहाँ पे बनवाई थी अभी बनवाई है जो कि अभी एक दो महीने पहले तो फिर ये सेंटर नहीं रहा हमारे रूम का तो फिर अब वो सेंटर है तो अब वहाँ पे तोड़ा है थोड़ा बहुत और फिर वहाँ पे अब पंखे की फिटिंग करी है। गाइज यहाँ पे मम्मी ने अपनी खिचड़ी के लिए जो दाल है और जो चावल हैं वो भिगो के रखे हैं और यहाँ मम्मी ने कुकर में अपना ऑयल वगैरह डाल दिया है अभी बस खिचड़ी में छौंक लगाएंगी मम्मी। हमारे जो पंखे थे ना वो सारे के सारे फ्लोर के भैया ने सारे पंखे उतार दिए हैं और फिर मम्मी ने ना वो सारे पंखों पे धूल मिट्टी लगी हुई तो वो सारे धो के यहाँ पे ना जो कपड़े सुखाने वाला राक होता है इसमें मम्मी ने दिमाग दौड़ाकर इसमें अच्छे से रख दिए हैं यहाँ पे ना सुबह तक के सारे सूख जाएंगे। और हमने ना अपने जो पंखे हैं मम्मी वो एक ही तरीके के मतलब पूरे फ्लोर पे एक कलर के एक ब्रांड के मतलब कि हम हैवल्स का ही यूज करते हैं मतलब सीधा करके ना पानी से मतलब उसके ऊपर डाल दो इसकी जो ऊपर जैसे कि हाँ जैसे कि थोड़े ना ऐसे टेढ़े हो रखे हैं और अगर आप इसको जमीन में करके यूं कर दोगे तो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे तो इसलिए इसकी जो शेप है वो बदल जाएगी इसलिए खड़े करके ऐसे मतलब कि उस पर पानी डालकर ऐसे। गाइस इसका जो मेन चीज़ है जिससे चलेगी मोटर वो यहाँ पे मैंने रख दी है। एंड गाइस इनको पानी से ना धोएं नहीं तो फिर आपको सारे के सारे पंखे न्यू लाने पड़ेंगे क्योंकि ये मेन चीज़ है और अगर इसको ही आपने धो डाला तो इसकी जो मोटर है वो ख़राब हो जाएगी और फिर वो चलेगी नहीं। सो इसलिए जो ये मेन चीज़ है उसको नहीं धोना है। जो हाँ ये पंखुड़ियाँ है ना ये आप धो सकते हो जो इसके विंग्स हैं। एंड गाइस शक्ल के ना 12 क्या 2 सारे सब कुछ बन चुके हैं। गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ खड़े 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 हर जगह बस खड़े खड़े सारा काम और मम्मी मुझे ऐसे देख रही है क्या हो गया मम्मी आपको मम्मी अपनी ये जो पंखे इनमें पता नहीं लगी हुई है पता नहीं क्या से क्या कर रही है। एंड गाइस सामान इधर का उधर उधर का इधर एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेरा झूला है ना बेचारा
कभी कोई मिस्त्री इसको यूं घुमा रहा है, कभी कोई यूं घुमा रहा है, कभी कोई यूं घुमा रहा है, ये ना पूरे 360 डिग्री का इसने ना रोटेट कर लिया है, मेरे यहाँ पे पूरा घूम चुका है ये, हद्दी हो गई यार। एंड गाइस, आगे वाला जो रूम है और जो पीछे वाला रूम है ना, वहाँ पे जो पैनल है वो लगा दिए हैं, मतलब कि बेस जो है वो तैयार कर दिया है, अभी जो डिज़ाइनिंग है वो बाकी है। एंड मेरा बहुत मन है आपको दिखाने का, लेकिन जैसे जब सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी देन मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या लग रहा है। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी तक का जो काम है वो ये है कि चैनल तो सारे में लग चुके हैं एकदम परमानेंट, एंड जो पैनल्स हैं वो उसका जो बेस है वो आगे वाले रूम में और पीछे वाले रूम में लगा दिया है। एंड अब कल भैया आएंगे तो इसका जो डिज़ाइनिंग होगा वो स्टार्ट करेंगे, एंड देन लास्ट में हॉल करेंगे, बिकॉज़ हॉल में कुछ ज़्यादा डिज़ाइनिंग होनी है, सो दैट्स व्हाई वो सबसे लास्ट में होगा। एंड गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो, और अगर वीडियो एंजॉय किया हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टाटा बाय, ध्यान रखो अपना।